FUE Max और FUE में क्या फ़र्क है? हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। आपने सुना होगा कि कई अलग अलग तरीके की टेक्निक होती हैं या नाम होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। लोग कोई बोलता है ये नाम ले लो, कोई अलग नाम ले लो, कोई बोलता है सीधा यहाँ से बाल उठा के सीधा यहाँ लगा दो, जल्दी से डायरेक्ट लगा दो तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज मैं आपकी मदद करूँगा समझने में कि हेयर ट्रांसप्लांट की सही तकनीक क्या है। भागा दौड़ी नहीं है, कोई मार्केटिंग के लोगों की बातों में नहीं फंसना है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, आप जब ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो तो आपको एंड रिज़ल्ट से मतलब है। एंड रिज़ल्ट क्या है कि आपको सर पे बिल्कुल नेचुरल लुकिंग बाल होना चाहिए। कितना घना होगा वो तो डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा बाल लगवाओगे। नेचुरल लुक सबसे ज़रूरी है। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक हुआ करती हैं। एक तो पुरानी वाली टेक्निक हो गई जिसमें काट के स्किन को निकालते हैं, वो तो FUT जिसमें स्टिच लगता है। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं FUE जिसमें के बालों को या ग्राफ्ट को एक एक करके निकाला जाता है ताकि उन उसको इस्तेमाल कर सकें। अब इसमें FUE का एडवांस्ड फॉर्म रहता है FUE Max। तो मैं आज बात करूंगा FUE Max के बारे में और थोड़े से आपके डाउट हटाऊंगा अलग अलग जो मार्केटिंग के तौर पे लोगों ने नाम बनाए हुए उनका। तो सबसे पहले तो है, जैसे हम बाल की जड़ निकालें या ग्राफ्ट निकालें तो उसको प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है। आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट होते हुए तो उसका भी एक प्रॉपर होल्डिंग मीडियम में रखते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कि किडनी जो निकाली गई है सही है और फिर उसको सावधानी से लगाते हैं। तो इसमें की वर्ड्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? एक तो सावधानी से ग्राफ्ट को निकालना, उसको प्रॉपर चेक करना और उसको सावधानी से ही वापस लगाना ताकि वो अच्छे से उगे और आपको अच्छा नेचुरल डेंस लुक आए। तो उसमें जो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सीधा बाल को निकाल के सीधा सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं लगा दें, तो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बाल कोई हम समान नहीं ढो रहे हैं कि यहाँ से लिया और फटाफट ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, बिना देखे कि बाल की जड़ कुछ ठीक भी है या नहीं। उसमें बाल में ग्राफ्ट में एक बाल है, दो है या तीन है। अगर ऐसे किया जाए तो उसको लो क्वालिटी काम कहा जाता है और दुनिया के जो टॉप 10 हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हैं उनमें से कोई भी इस तरह से नहीं करता, मैं इंक्लूडेड। हम लोग 26 साल से करते आ रहे हैं। आप आराम से रिकॉर्ड में चेक करोगे रिजल्ट्स तो आपको दिखेगा, सन 2000 में भी बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स देते थे, अभी भी देते हैं। और हम लोग यूज़ करते हैं एक टेक्निक जिसका नाम है FUE Max। तो FUE Max के खास चीज़ें क्या हैं, खास खास पॉइंट मैं बताता हूँ जो कि बाकी सब टेक्निक से अलग हैं, चाहे नॉर्मल वाली FUE हो चाहे कोई लोग डायरेक्ट लगाने का गेम खेल रहे हो, दोनों चीज़ों से। ग्राफ्ट को जब निकाला जाता है तो एक तो बिल्कुल सावधानी से निकालना है और उसको सिर्फ और सिर्फ सेफ डोनर एरिया से निकालना है। सेफ डोनर एरिया होता है इतना सा एरिया जहाँ पे आपके घर में जो गंजा सा गंजा आदमी हो या आपने जो सड़क पे भी देखा हो खूब गंजे आदमी, जहाँ उनके बाल नहीं गिरते वो एरिया सेफ डोनर एरिया होता है। वो बाले बाल जब निकाल के हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांटेड बाल जिंदगी भर उगते हैं बिना किसी मेंटेनेंस थेरेपी के, बिना किसी PRP के, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयों के जैसे फाइनास्ट्राइड, बिना किसी चीज़ के वो बाल जिंदगी भर उगता है। उसी तरह दाढ़ी के बाल, दाढ़ी से कोई गंजा नहीं होता जितनी मर्जी उम्र हो जाए, और बॉडी के बाल वो भी जिंदगी भर उगते हैं। तो उन बालों को, दाढ़ी वालों को भी जैसे हम लगाएंगे तो वो दाढ़ी के बाल की तरह उगेगा, मोटा है, टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उगेगा बढ़िया से और सर को भरेगा, डेंसिटी देगा। एक तो चीज़ हो गया ये सेफ डोनर एरिया। अब सेफ डोनर एरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों में कई बार एक मिसकंसेप्शन आया हुआ है और वो मिसकंसेप्शन आया हुआ जब ये
कोई कंपनी जो डायरेक्ट डायरेक्ट बाल लगाती है कि हम ऊपर से ही लगा देंगे यहाँ से लेके, तो उन्होंने एक बहुत फेमस क्रिकेटर था उसके बाल यहाँ से लेके यहाँ लगा दिए, यहाँ से भी लिए यहाँ से भी लिए। तो जो सेफ डोनर एरिया में नहीं थे, जब बाल उसके हेयर लॉस और हुआ तो वो वाले ट्रांसप्लांटेड बाल भी जाने थे, वो गए। आपको देखने को क्या मिला? देखने में ये लगा कि ट्रांसप्लांट कराया था, दो साल बाद आधे बाल तो गिर गए। तो जो वो आधे बाल गिरे थे वो हेयर ट्रांसप्लांट की गलती से नहीं थे, वो इसलिए थे क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए जो बाल चुने थे वो परमानेंट थे ही नहीं। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। FUE Max में जब आप मेरे पास आओगे तो मैं सबसे पहले मार्क करके दिखाऊंगा आपको कि देखो सिर्फ इस हिस्से में से मैं बाल लूँगा, और आप भी अपना देख के सोचना, हाँ मेरे घर में कोई ऐसा तो नहीं जिसके यहाँ से भी चले गए हों, किसी के जाते नहीं है फिर भी, और उस एरिया से ही बाल लेंगे। दूसरा चीज़, जब हमने बालों को लिया उसके अंदर होते हैं स्टेम सेल, उनको अच्छे से नरिश करके प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, और उनको बिना टच किए वापस से स्लिट में लगाना होता है। अब यहाँ क्यों सावधानी बरतनी होती है? क्यों? क्योंकि मैं कई बार सुनता हूँ कि कोई बोल रहा है कि इम्प्लांटर से लगा देंगे। तो देखिए, इम्प्लांटर एक बहुत ही मेरे हिसाब से तो ख़राब चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि ग्राफ्ट जब हम लेते हैं, ग्राफ्ट को हम, ये रूट है उसको ऊपर से पकड़ते हैं, नीचे से नहीं पकड़ते। जैसे आपने पौधा लगाना है कोई, अगर गार्डनिंग की हो या गार्डनर को देखा हो, मालिक हो, तो पौधे को ऊपर से पकड़ेगा, वो जड़ से नहीं पकड़ने लग जाएगा, और ना ही वो ये करेगा कि खुरपे में सीधा लगाए और सीधा ज़बरदस्ती ज़मीन में डाल दिया। इम्प्लांटर से तो ये चीज़ कर रहे हैं। इम्प्लांटर से बाल को डैमेज होने का बहुत चांस रहता है, क्यों? एक तो रूट आप पूरी की पूरी मेटल की उस पर लगा के रख रहे हो, उसके बाद उस रूट को आप सीधा ऐसे सर में घुसा रहे हो, तो डैमेज तो बालों को होना ही है। तो इम्प्लांटर तो कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत पहले समय में, करीब 25-30 साल पहले, चाइनीज डॉक्टर ने इम्प्लांटर निकाला था, लेकिन चाइनीज़ बाल होते हैं बहुत मोटे, तो उनमें तो फिर भी चल गया। आपको क्यों करना है? मार्केटिंग के लिए थोड़ी आपको इम्प्लांटर्स में के पीछे चले जाओगे। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपने रिजल्ट से मतलब है आपको, आपको नहीं मतलब इससे कि जी किस वाले चीज़ से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोग इस आजकल गुमराह कर दिए गए हैं और वो सिर्फ यही देखते रहते हैं, इम्प्लांटर या कौन सी मेटल कौन सा वो, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि देखो इम्प्लांटर का ये नुकसान होता है। करना क्या होता है, टेक्निक सही वाली क्या होती है कि जैसे ग्राफ्ट यहाँ से निकाला, बिल्कुल सफाई से ऊपर से पकड़ के उसको प्रॉपर चेक करा जाता है, फिर उसको जीन थेरेपी फ्लूइड में रखा जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्टेम सेल है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, और कम से कम समय में उसको वापस लगा देते हैं। लेकिन देख के कि हाँ एक बाल वाला है तो सबसे आगे लगेगा, दो और तीन बाल वाले हैं तो अंदर लगेंगे, ऐसे नहीं कि किसी भी बाल को कहीं भी लगा दो, वो तो सब स्टैंडर्ड काम हुआ। और इम्प्लांटर नहीं यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? पहले सारी स्लिट्स बनती हैं, उन्हें कहते हैं प्री प्रिपेयर्ड स्लिट्स, वो मैं खुद बनाता हूँ मेरे पेशेंट्स में। एक एक स्लिट जब बनती है, वहीं आर्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। आप मेरे रिजल्ट देखो, बिल्कुल नेचुरल लुक मिलेगा आपको, कहीं ऐसे टेढ़े मेढ़े बाल नहीं मिलेंगे, कहीं ये नहीं मिलेगा गैप हुआ। क्यों? क्योंकि वो जब सारी स्लिट बनी है, अगर आपने खुद भी कभी कुछ काम किया हो तो आप देखोगे कि अगर सारा नीडल से स्लिट्स बना दिया एक बारी में, तो मैंने बनाया तो मुझे मालूम है कि इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका एंगल क्या होगा, इनका घनापन क्या होगा, उसके बाद उन सब में ग्राफ्ट एक एक करके लगेगा, और वो भी जब लगेगा तो ग्राफ्ट को ऊपर से पकड़ना है हमने, और स्लिट को बस हल्का सा ऐसे ओपन करके उसको स्लाइड करना है। हमने कोई उसको मेटल में लगा के उसको घुसाना नहीं है बाल को, ऐसे थोड़ी होता है। तो उस तरीके से, इसको कहते हैं नो रूट टच टेक्निक, और नो रूट टच टेक्निक इम्प्लांटर के साथ तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो जल्दी जल्दी नहीं, ग्राफ्ट को तसल्ली से निकाल के प्रॉपर उसको सेफ्टी से देख के कि कौन सा वाला है, उसको सही ऊपर से पकड़ के और फिर लगाना है। प्रूफ क्या है इसका कि ये सही तरीका है? वो मेरे रिजल्ट हैं।
आप देखो आराम से, मैं कभी नहीं बोलता, दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजल्ट का अवार्ड हमारे क्लिनिक को 10 साल से मिला हुआ और अगले साल भी मिलने की उम्मीद है। यू अवार्ड मिलता भी US की वेबसाइट से, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जब देखोगे तो सामने दिखेगा। हेयरलाइन में एक भी गैप होगा तो पता नहीं चलेगा कि बाल उगा कि नहीं उगा, वहाँ पे एक एक बाल आपको दिखेगा। और कभी भी मैंने कोई डायरेक्ट नहीं किया है और प्रॉपर तरीके से बिना इम्प्लांटर के ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं और रिजल्ट्स एब्सोल्युटली नेचुरल है। तो FUE मैक्स में खास चीज़ें अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक तो सेफ डोनर एरिया से लेना है, दूसरा ग्राफ्ट्स को सिंगल 2 और 3 तो देखना है, तीसरा बिना इम्प्लांटर के उनको ग्राफ्ट को नो रूट टच टेक्निक से जो पहले स्लिट बनी है जो डॉक्टर यानी मैंने बनाई है उनमें स्लाइड इन करना है, तब आपको मिलता है दुनिया का बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें के ग्राफ्ट भी अच्छे से उगते हैं, दिखने में नेचुरल भी लगते हैं। ये चीज़ होता है FUE मैक्स। इसके बारे में और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बोलो, मेरे पास व्हाट्सएप से भेजो, मैं आपको जवाब दूंगा। और इसका बाकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल पे, तो इस वीडियो को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ ताकि वो इस गलत मार्केटिंग गिमिक में ना पड़े, ये डायरेक्ट के और कि हम इम्प्लांटर से लगाएंगे, ये सही तरीके नहीं होते। थैंक यू।